सक्शन का फिटिंग बनाने के लिए इस टाइप का फिटिंग बनाते हैं ना अपन, तो इसके लिए अपने को इस टाइप का एक्सट्रूडेड लॉट, एक मिनट, ये अपने को इस टाइप का एक्सट्रूड किया हुआ रॉड लगता है। तो अपन ये बड़ा रॉड था, इसके अपन ने छोटे छोटे टुकड़े बनाए। इसका जो ये जो मोटा है अभी ये 20 mm का रखा है अपन ने, ताकि ये 10 mm रहेगा और ये टर्निंग 8.5 mm रहेगा। इसमें का 1.5 mm अपन ने सामने से उड़ा दिया है फिनिशिंग कट में। ये जो एक्सट्रूड है, ये एक्सट्रूड का बहुत किचकट काम होता है, यानी एक्सट्रूड बनाने का नहीं, तो ये अपने को इस टाइप से फिक्सचर बनाना पड़ता है। ये जो फिक्सचर है अपन स्पेशली बना के लेते हैं VMC मशीन पे। ये 3 जॉ का 1.5 पिच वाला सॉफ्ट जॉ है। ये सॉफ्ट जॉ पे अपने को VMC मशीन पे इस टाइप से एक्स डिज़ाइन बना के लेना पड़ता है, ताकि अपना जॉब होल्डिंग हो सके। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसको इस टाइप से इसमें फिट करते हैं। इस टाइप से फिटिंग होने के बाद अपने इसको क्लैंप करते हैं। ये क्लैंप करने से अपना मशीन जो वर्क करेगा, ये वाला सेंटर पकड़ के काम करेगा। अपने को यहाँ पे डिज़ाइन बनाने का है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए अपने को ये सेंटर रखना पड़ेगा, और डिज़ाइन अपना इस टाइप से बनेगा। ये अपना रॉड का ऐसा लगने का, ऐसा फिनिशिंग में आएगा। ये अपना जो सुब्रोस का फिटिंग है, ये सुब्रोस का सक्शन का फिटिंग है। इसको इसमें अपन डिस्चार्ज का बना सकते हैं, और बहुत से फिटिंग्स है जो अपन इसमें बना सकते हैं दोस्तों। इसके लिए ये भी अपन ने इतने पीस काट के रखे, बहुत पीस काटे, लेकिन आज अपन इसमें सिर्फ 50 पीस बनाने लगे, जिसमें से अपन ने 10-12 पीस यहाँ अपन ने रखे थे। यहाँ लगाने के बाद आपको मैं वर्क होने वाले टूल्स के बारे में बताऊंगा। एक अपने को ड्रिल बिट लगता है, ये जो 10 mm का ड्रिल बिट है, ये इस टाइप से कॉलेट होता है, कॉलेट होल्डर है ये इसमें कॉलेट होता है जिसमें ड्रिल बिट लगता है। ये अपने को TNMG, इसे जिसको CNC का नॉलेज है वो बता सकता है, बाकी दोस्तों आपको नहीं समझेगा। ये TNMG टूल है, एक ये यूज होगा, और ये पार्टिंग टूल है जो पार्टी और ग्रूविंग का काम करता है। ये वाला टूल आपको उजाले में दिखाता हूँ, ये वाला अपना ग्रू बनाएगा जहाँ ओरिंग लगेगी। ये वाला टूल पार्टिंग टूल और ग्रूविंग टूल का काम करेगा। ये 10 mm का ड्रिल बिट लगा अपन ने इसमें, और ये TNMG टूल, ये अपने 3 टूल इसमें काम करेंगे। एक्चुअली ये जो टरेट होता है, ये 8 टूल स्टेशन है अपने पास जो है, वो 8 टूल स्टेशन आपको दिखाता हूँ। नंबरिंग लिखा हुआ रहता है इस पर, ये देखो दिखा हुआ, 1 नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो दोस्तों, 1 नंबर, ये देखो 1 उल्टा दिखेगा आपको, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, और 8 नंबर का, 8 नंबर पे यहाँ पे 8 लिखा होगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ 8 लिखा हुआ है, और इसके बाद डायरेक्ट 1 नंबर का टूल चालू हो जाता है। 1 नंबर का टूल दिखा, ये 1 नंबर है, उल्टा दिखेगा आपको, क्योंकि ये सीधा यहाँ इधर सीधा दिखता है घूमने के बाद। ये देखो आपको जो है ना, ये 5 नंबर सीधा दिखेगा, दिख रहा आपको, एक मिनट लाइट, ये देखो ये 6 नंबर का सीधा दिख रहा है आपको, ये 5 नंबर का आपको सीधा दिखेगा। इस टाइप से टूल्स होते हैं लगे दोस्तों। अब ये अपना जॉब फिट हो गया है, अभी इसको स्टार्ट करेंगे। अभी तो स्टार्ट में प्रोसेस में यहाँ से आपको कट में दिखा होगा ऐसा, कि किस टाइप से वर्क होता है, कूलेंट उठता है, उसके कारण मैं आपको ये पूरा दिखा नहीं सकूँगा। और ये इधर अपना ये CNC का प्रोग्रामिंग है किया हुआ अपन ने यहाँ पे। ये जो इधर छोटे छोटे आंकड़े दिख रहे हैं ना, ये आपको ये छोटा छोटा, ये यहाँ लाइटिंग किसमें आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ये प्रोग्राम किया हुआ है अपन ने। यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है सुब्रो सक्शन, इसका प्रोग्राम अपन ने ऑलरेडी बना के रखा है, इसलिए अपनों को इसको तकलीफ नहीं जाएगी। अभी दोस्तों अपन इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए अपनी ये बटन दबाते ही टूल एक्टिवेट हो जाएंगे। ये देखो टूल एक्टिवेट हो गए। टूल एक्टिवेट होते ही ये मशीन वर्क करना चालू कर दिया। मैं आपको थोड़ा दूर रख के बता रहा हूँ किस टाइप से वर्क होता है, आवाज आएगा।
देखिए दोस्तों, अपने एक टूल ने अभी अपने को इतना वर्क करके दिखा दिया है। ये जो पूरा एक्सट्रूड था यहाँ से, ये वाला पूरा ऐसा था, इसको अपन ने काट के सेंटरिंग ले लिया। सेंटरिंग लेने से यहाँ एक राउंड शेप तैयार हो गया सेंटर के बराबर परफेक्ट में। अभी अपन ये होने का, तो अपना दूसरा जो टूल आएगा पार्टिंग और ग्रूविंग टूल, तो उसको यहाँ पे अपना ओरिंग का जगह बनाएगा। दोस्तों डायमेंशन इसका पहले ले चुका हूँ मैं, परफेक्ट डायमेंशन है इसका। एक्यूरेसी वगैरह सब क्लियर करके मैंने ये प्रोडक्ट की अभी जॉब बना रहे हैं। अभी अपन दूसरे स्टेप पे जाएंगे। तो दूसरे स्टेप में आते ही मैं बटन को ऑन करूँगा तो दूसरा टूल एक्टिव होके जॉब बनाना चालू कर देगा। ये देखो ये टूल चेंज हो गया, ये पार्टिंग बना रहा है। अभी अपने ये वाला टूल जो ना पार्टिंग टूल आपको दिखाया था, ये पार्टिंग टूल ने भी इसमें ओरिंग का जगह बना लिया है। ये देखो ओरिंग का जगह बना लिया। अब तीसरा टूल क्या करेगा, ये ड्रिल बिट आएगा, ड्रिल बिट अभी इसको होल करेगा, आर पार होल कर देगा। लेकिन मेरे को इधर मशीन को फंक्शन देना पड़ेगा, मशीन फंक्शन बोलने से बटन स्टार्ट करना पड़ेगा। बटन स्टार्ट करते ही देखो नेक्स्ट एक्टिव हो गया, ड्रिल करना उसने चालू कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ अपनी, ये होल हो गया। इसके बाद अभी अपना चलेगा फिनिशिंग। अभी फिनिशिंग का फंक्शन देंगे, अपने को हर वक्त स्टेप में ये अपने को बटन ऑन करना पड़ेगा। ये वाला जो बटन है ना ऑन, मैंने इस टाइप से प्रोग्राम करके रखा है ताकि आपको समझ में आए कि अपने टूल्स ये अपने फिटिंग्स किस टाइप से बनते हैं। दोस्तों इसको मैं तुरंत बंद कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी अपनी जॉब को फिनिश कट लग रहा है। मैं आपको आज इधर एक ही साइड का वीडियो बना के दिखाऊंगा, नेक्स्ट सेकंड साइड का वीडियो मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा 52 नंबर में। आज का एक वीडियो रहेगा 51 नंबर का रहेगा।
तो ये मशीन से अपन एट ए टाइम 8 टूल लगा के जॉब बना सकते हैं। एक एक टूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने इसमें 8 टूल लगे हैं मशीन को, ये टूल होल्डर को, लेकिन अपने को 8 की ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन इसमें बहुत से टूल से मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देने बैठूँ तो एक वीडियो बनाना पड़ेगा स्पेशल, और वो मैं बनाऊँगा। फिर आपको एक छोटी आइडिया दे देता हूँ मेरे मशीन की। इसमें ये देखो अपना ये जो जॉब है, ये देखो बन के तैयार होगा। अपने को इधर का होल बाकी है और बैक साइड का फिनिशिंग बाकी है। बस उतना करने के बाद ये गोटी फाइनल तैयार हो जाएगी। अब इसका फ्रंट फेस पूरा तैयार हो गया है। ये अपना थिकनेस वगैरह, ये यहाँ का रेडियस देना पड़ता है ये ग्रू को, ये दोनों कॉर्नर में रेडियस देना पड़ता है। ये बीच में की ग्रू का स्पेस है 3 mm का, इधर थोड़ा स्पेस छूटा है। ये देखो ये अभी एक गोटी अपनी तैयार हो गई है। देखो दोस्तों इसमें अपने टूल्स में ये जो टूल्स लगे, एक इसको टैरेट बोलते हैं। टैरेट में भी एक देखो ये ड्रिल बिट लगा है, ये पार्टिंग टूल लगा है, ये अपना इंटरनल थ्रेडिंग टूल है, जो अंदर से थ्रेडिंग करते हैं ना इंटरनल, उसका टूल लगा है। ये अपना फेस ग्रूविंग टूल लगा है, अपना जो है ना ये फेस ग्रूविंग के लिए टूल लगा है, टर्निंग का काम वो भी करता है। ये अपना ड्रिल बिट का है, लेकिन इसको यू ड्रिल बोलते हैं। ये बड़ा टूल होता है, ये यू ड्रिल है, ये अपना फेस ग्रूविंग के लिए है अपना टूल। हल्का अपना ग्रूविंग देते इसमें अपने स्विफ्ट डिजायर के जो गोटी आती है उसमें जो गैस्केट टाइप बोरिंग लगती है उसके लिए इस टाइप का टूल यूज़ किया जाता है। ये अपना यू ड्रिल है, बड़ा ड्रिल अगर करना है अपने को बड़े होल का, तो ये 17.5 mm का ड्रिल है। ये डायरेक्ट वन स्ट्रोक में 17.5 mm का ड्रिल कर देगा। इसके बाद ये जो टूल है ये थ्रेडिंग टूल है, ये थ्रेडिंग का कैसे दिखेगा नहीं बराबर, ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल है, ये इंटरनल टर्निंग टूल है। इसके वजह से बोरिंग टूल जो बोर करते होल करते उसको होल बड़ा करने के लिए फिनिशिंग के लिए ये बोरिंग टूल लगाते हैं। उसके बाद ये टर्निंग एक्सटर्नल टर्निंग के लिए टूल लगाते हैं। ऐसे दोस्तों 8 टूल्स लगते हैं अपने मशीन में, और ये भी एक अपना एक जॉब तैयार हो गया है। ये भी अपन इसको निकालेंगे यहाँ से, ये देखो निकल गया, ये साफ कर लेने का है, डस्ट नहीं चलती इसी, थोड़ा मेटल पार्ट रहते ना वो नहीं होना। दोस्तों भी देखो ये अपनी गोटी तैयार होगी सक्शन की। एक प्रोसेस तो होगी, सेकंड प्रोसेस में ये इसका होल आएगा, तो अपन इसको यहाँ से नहीं मारेंगे, बैक साइड से मारेंगे, इसको फिनिश कट भी मारेंगे और यहाँ होल भी हो जाएगा। दो स्टेप दोनों काम एक ही वन स्ट्रोक में हो जाएगा। दोस्तों अगर ये मेरा फिटिंग्स बनाने का आपको प्रोसेस अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करो, आपको इस टाइप से अगर प्रोडक्ट लगते हैं रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों स्पेयर पार्ट इस टाइप के कोई पाइप मैन्युफैक्चर देता नहीं है, लेकिन हम लोग खुद टेक्नीशियन है, कारीसी का अपना खुद का है और पाइप मैन्युफैक्चरिंग का अपना है। मेरे दुकान का मैं आपको पूरा डिटेल्स में एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, वो शायद से 54 नंबर का वीडियो रहेगा। तो इस टाइप अपने CNC मशीन अपने पास, ये मशीन के अपन टूल्स बनाते हैं। मशीन बहुत बड़ा होता है, देखो यहाँ से मशीन स्टार्ट हो जाता है, ऐसा ये कंपार्टमेंट ये फिटिंग हो जाता है, ये सेफ्टी डोर होता है, ये मशीन इतना चौड़ा है। अपने मशीन का जो डायमेंशन है वो 8x5 feet का है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो भी सब्सक्राइब करो, शेयर जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन को शेयर करो, ताकि टेक्नीशियन को पता चले कि किस टाइप से काम होता है और उनको आइडिया जाए नए नए। थैंक यू।